ऑलराइट, सो आज इस वीडियो में हम एमक्यूटीटी प्रोटोकॉल को यूज करना सीखेंगे ESP8266 एंड ESP32 NodeMCU बोर्ड के साथ। एमक्यूटीटी प्रोटोकॉल के साथ हम 4 रिले या फिर LED कंट्रोल करेंगे और DHT सेंसर डेटा भी मॉनिटर करेंगे एमक्यूटीटी मोबाइल क्लाइंट ऐप यूज करके। अभी आप देख सकते हो मैं एक ऐप यूज कर रहा हूँ जिसका नाम है IoT MQTT पैनल। ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। इस ऐप पे मैंने MQTT डैशबोर्ड सेटअप कर रखा है। 4 स्विचेस मैंने बना रखा है और 2 गैस ले रखा है। स्विच यूज करके मैं NodeMCU बोर्ड पे कनेक्टेड LEDs कंट्रोल कर पा रहा हूँ और गैस स्विचेस पे ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर डेटा अपडेट हो रहा है। सो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं हमें MQTT प्रोटोकॉल को NodeMCU बोर्ड के साथ कैसे सेटअप करना है और कैसे LEDs कंट्रोल करना है या फिर GPIOs कंट्रोल करना है और सेंसर डेटा मॉनिटर करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल Arduino IDE ओपन कर लेना है और एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करना पड़ेगा ESP MQTT क्लाइंट। लाइब्रेरी मैनेजर पे आपको सर्च करना है ESP MQTT क्लाइंट और ये लाइब्रेरी आपको मिल जाएगा। सिंपली इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लेना है with all dependencies। लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाने के बाद इनिशियली हम एग्जाम्पल कोड को टेस्ट करके देखेंगे। एग्जाम्पल कोड के लिए जाना होगा फाइल पे, देन एग्जाम्पल्स, देन यहाँ पे आपको ESP MQTT क्लाइंट एग्जाम्पल कोड फाइंड आउट करना है। एंड यहाँ से सिंपल MQTT क्लाइंट एग्जाम्पल को हम यूज करेंगे। यह हमारे पास आ गया एग्जाम्पल कोड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसी कोड को रन करेंगे। कोड रन होने के बाद हम इस कोड को मॉडिफाई करेंगे एंड LEDs कंट्रोल करेंगे और DHT11 सेंसर डेटा को भी मॉनिटर करेंगे। NodeMCU को सर्वर के साथ कनेक्ट करवाने के लिए हमें यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स को कॉन्फिगर करना होगा। SSID एंड पासवर्ड ऐड करना पड़ेगा। SSID पासवर्ड के बाद यहाँ पे आपको जो IP एड्रेस दिख रहा है, IP एड्रेस को MQTT ब्रोकर सर्वर IP एड्रेस से रिप्लेस करना होगा। हम मॉस्किटो टेस्ट सर्वर का यूज़ करेंगे। सो इस URL को कॉपी कर लेना है test.mosquito.org एंड IP एड्रेस के जगह पे रिप्लेस कर देना है। यूजर नेम को रखना है ब्लैंक एंड पासवर्ड को भी ब्लैंक छोड़ सकते हो। क्लाइंट नेम रहेगा टेस्ट क्लाइंट एंड डिफॉल्ट पोर्ट रहेगा 1883। नेक्स्ट वॉइस सेटअप के अंदर कुछ ऑप्शनल फंक्शंस को यहाँ पे कॉल किया हुआ है, इनको एज इट इज रहने देते हैं। सेटअप फंक्शन के बाद और एक फंक्शन है ऑन कनेक्शन एस्टैब्लिश। बेसिकली ये फंक्शन MQTT ब्रोकर के साथ डेटा एक्सचेंज करता है। MQTT प्रोटोकॉल पब्लिश एंड सब्सक्राइब प्रिंसिपल पे वर्क करता है। सेम ब्रोकर के साथ मल्टीपल क्लाइंट्स कनेक्ट हो सकता है और क्लाइंट्स को अगर ब्रोकर से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई डेटा चाहिए, तो उस डेटा से रिलेवेंट टॉपिक को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। यहाँ आप देख सकते हो लाइन नंबर 36 पे एक टॉपिक को सब्सक्राइब किया हुआ है MyTopic/test और जो भी डेटा आ रहा है उस सीरियल नंबर पे प्रिंट करा रहा है। सिमिलरली अगर क्लाइंट को कुछ पब्लिश करना है, सेंड करना है MQTT ब्रोकर पे, तो उस डेटा को एक टॉपिक के साथ सेंड करना पड़ेगा। एंड लाइन नंबर 46 पे आप देख सकते हो एक टॉपिक है MyTopic/test। इस टॉपिक पे एक स्ट्रिंग सेंड हो रहा है, दिस इज ए मैसेज। और अगर किसी और क्लाइंट को ये डेटा चाहिए तो उसको MyTopic/test को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, फिर वो ये स्ट्रिंग रिसीव कर सकता है। सिमिलरली अगेन डेटा पब्लिश हो रहा है 5 सेकेंड इंटरवेल पे और वॉइड लूप पे रखा है client.loop अनइंटरप्ट डेटा कम्युनिकेशन के लिए और मैसेजेस को हैंडल करने के लिए। सो इस कोड को अपलोड कर देते हैं एंड पहले टेस्ट करके देख लेते हैं। कोड अपलोड होने के बाद सीरियल मॉनिटर पे आप देख सकते हो NodeMCU बोर्ड MQTT ब्रोकर के साथ कनेक्ट हो चुका है और डेटा एक्सचेंज कर रहा है एंड टॉपिक पे मैसेज पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया है। टेस्ट करने के लिए मैं एक MQTT क्लाइंट यूज करूंगा जो कि है MQTT X। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा या फिर गूगल सर्च करोगे MQTT X तो भी आपको ये MQTT क्लाइंट मिल जाएगा। सिंपली प्रोग्राम को इंस्टॉल कर लेना है और ओपन कर लेना है। हमें एक न्यू कनेक्शन बनाना पड़ेगा। कनेक्शन नेम रखते हैं टेस्ट और होस्ट URL पे आपको डालना है test.mosquito.org। पोर्ट रहेगा 1883, SSL TSL डिजेबल और कनेक्ट कर लेना है। और ये क्लाइंट कनेक्ट हो चुका है। पहले हम डेस्कटॉप क्लाइंट ऐप से डेटा पब्लिश करते हैं और NodeMCU बोर्ड पे रिसीव करेंगे। कोड पे आप देख सकते हो MyTopic/test नाम का एक टॉपिक जिसको NodeMCU बोर्ड सब्सक्राइब कर रहा है। सो इस टॉपिक पे हमें कोई एक मैसेज सेंड करना है। टॉपिक को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं एंड डबल कोट के अंदर मैसेज टाइप करना है हेलो फ्रॉम डेस्कटॉप क्लाइंट, जो कि MyTopic/test पे हम पब्लिश करेंगे। आप यहाँ से प्लेन टेक्स्ट JSON या फिर हेक्स कोड सेलेक्ट कर सकते हो। हम प्लेन टेक्स्ट सेंड करके देखते हैं। मैसेज पब्लिश करते ही आप सीरियल मॉनिटर पे नोटिस कर सकते हो हेलो फ्रॉम डेस्कटॉप क्लाइंट यहाँ पे भी रिसीव हो रहा है। सो ये था पब्लिश और अभी हम एक टॉपिक को सब्सक्राइब कर लेते हैं। न्यू सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है और अगेन यहाँ पे टॉपिक डालना है जिस टॉपिक को सब्सक्राइब करना चाहते हो। सेम टॉपिक पे NodeMCU बोर्ड भी पब्लिश कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हो MyTopic/test पे दिस इज ए मैसेज पब्लिश कर रहा है। सो इस टॉपिक को सब्सक्राइब करते हैं एंड हमें ये वाला जो मैसेज है दिस इज ए मैसेज वो रिसीव होना स्टार्ट हो जाएगा। कन्फर्म करते हैं एंड सब्सक्राइब करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो मैसेज डेस्कटॉप क्लाइंट भी रिसीव कर रहा है। एंड अगेन और एक टॉपिक है जिस टॉपिक पे NodeMCU 5 सेकेंड इंटरवल पे स्ट्रिंग सेंड कर रहा है, इसको भी सब्सक्राइब कर लेते हैं।
एंड इस टॉपिक पे जो स्ट्रिंग सेंड हो रहा था वो स्ट्रिंग डेस्कटॉप क्लाइंट पे भी रिसीव हो रहा है और ये 5 सेकंड इंटरवल पे सेंड होता रहेगा। सो NodeMCU बोट MQTT सर्वर के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, कभी कभी डिस्कनेक्ट हो रहा है बट ऑटो रिकनेक्ट होके अगेन डेटा एक्सचेंज कर रहा है। अभी इस कोड को मॉडिफाई कर देते हैं और 4 GPIO कंट्रोल करते हैं और एक DHT11 सेंसर भी कनेक्ट करेंगे ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर डेटा मॉनिटर करने के लिए। पहले देख लेते हैं वायरिंग डायग्राम, उसके बाद हम इस कोड को मॉडिफाई करेंगे। ये रहा सर्किट डायग्राम। ESP8266 NodeMCU बोर्ड के साथ मैं 4 LED कनेक्ट कर रहा हूँ और एक DHT11 सेंसर कनेक्ट कर रहा हूँ। LED में कनेक्ट कर रहा हूँ D1, D2, D5 एंड D6 पिन के साथ और DHT11 सेंसर में कनेक्ट कर रहा हूँ D4 पिन के साथ। और कोड को भी मॉडिफाई कर दिया है, LEDs एंड DHT11 सेंसर के लिए भी फंक्शनलिटीज ऐड कर दिया है। दोनों कोड को आप कंपेयर करके भी देख सकते हो। DHT सेंसर के लिए DHT लाइब्रेरीज इंक्लूड कर रखा है और ESP MQTT client.h ये पहले से था। और अगर आपको ESP32 बोर्ड यूज़ करना है तो आपको ये दो इंक्लूड स्टेटमेंट अनकमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट DHT पिन एंड DHT टाइप डिफाइन कर रखा है और पिन डिफाइन कर लिया है चारों LEDs के लिए और DHT इंस्टेंस भी क्रिएट कर लिया है। उसके बाद ESP MQTT क्लाइंट के लिए एक इंस्टेंस क्रिएट कर लिया है क्लाइंट, और इस पे हम लोगों ने पहले से ही पैरामीटर्स को कॉन्फिगर कर लिया था जो कि एज इट इज़ रहेगा, इसके साथ कोई भी चेंजेस नहीं होगा। सेटअप फंक्शन के अंदर DHT को इनिशियलाइज कर दिया है, पिन मोड ऐड कर दिया है और इनिशियली LEDs को लो रखा है। उसके बाद है कुछ ऑप्शनल फंक्शंस, इनको भी रहने देते हैं। और नेक्स्ट है ऑन कनेक्शन स्टैब्लिश। यहाँ पे 4 टॉपिक को सब्सक्राइब किया हुआ है, MyTopic/LED1, LED2, LED3 एंड LED4। और जो भी स्ट्रिंग रिसीव हो रहा है वो पेलोड पे असाइन हो रहा था और डिजिटल राइट फंक्शन के अंदर पेलोड के साथ टर्नरी ऑपरेटर यूज करके LEDs कंट्रोल कर रहा हूँ। बाकी 3 LEDs पे भी सेम अप्लाई हो रहा है। और कनेक्शन को कंफर्म करने के लिए MyTopic/status पे कनेक्टेड मैसेज को पब्लिश करा दिया है। और वॉइड लूप पे है client.loop जो कि पहले भी था, और इस बार हमें टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी डेटा भी पब्लिश करवाना है और एक इफ कंडीशन के साथ 2 सेकंड इंटरवल पे टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी डेटा रीड करके MQTT ब्रोकर पे पब्लिश करा रहा हूँ। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी डेटा को स्ट्रिंग टेम्प मैसेज और स्ट्रिंग ह्यूमिडिटी मैसेज पे असाइन करा लिया है और MyTopic/temp पे पब्लिश हो रहा है टेम्प मैसेज जो कि सेंड करेगा टेम्परेचर वैल्यू, और MyTopic/humidity पे सेंड हो रहा है ह्यूमिडिटी मैसेज जो ह्यूमिडिटी वैल्यू को सेंड कराएगा। कोड अपलोड करने के बाद सीरियल मॉनिटर पे आप देख सकते हो NodeMCU बोर्ड MQTT ब्रोकर के साथ कनेक्ट हो गया है और कंटिन्यूसली ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर डेटा पब्लिश कर रहा है। अब आप MQTT क्लाइंट ऐप यूज़ करके NodeMCU बोर्ड के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, ह्यूमिडिटी टेम्परेचर डेटा मॉनिटर कर सकते हो और LEDs कंट्रोल कर सकते हो। इस बार हम MQTT X यूज़ नहीं करेंगे, इस बार एक एंड्रॉयड ऐप यूज़ करेंगे फ़ोन से LEDs कंट्रोल करने के लिए और ह्यूमिडिटी टेम्परेचर डेटा को मॉनिटर करने के लिए। प्ले स्टोर पर जाना है और सर्च करना है MQTT और IoT MQTT पैनल, इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे और भी कई सारे ऐप्स हैं, इनको भी आप ट्राई आउट कर सकते हो। इंस्टॉल करने के बाद ऐप ओपन कर लेना है। इस पे मैंने ऑलरेडी डैशबोर्ड बना रखा है LEDs कंट्रोल करने के लिए एंड ह्यूमिडिटी टेम्परेचर डेटा को मॉनिटर करने के लिए। सो इसको मैं कर देता हूँ डिलीट और अगेन एक न्यू डैशबोर्ड सेटअप कर लेते हैं। सेटअप न्यू कनेक्शन, कनेक्शन नेम आप कुछ भी रख सकते हो और ब्रोकर IP एड्रेस पे test.mosquito.org और एक डैशबोर्ड नेम भी ऐड करना पड़ेगा। और अभी आप विजेट्स ऐड करना है LEDs कंट्रोल करने के लिए और सेंसर डेटा मॉनिटरिंग के लिए। एड पैनल हमें चाहिए स्विच, पैनल नेम LED1 और टॉपिक सब्सक्राइब करना है MyTopic/LED1, पेलोड ऑन 1 और पेलोड ऑफ के लिए रखेंगे 0 और इसको कर लेते हैं क्रिएट। और इसी के साथ LED1 बटन क्रिएट हो गया है। इस तरह से LED2 के लिए भी बटन क्रिएट कर लेना है, MyTopic/LED2, पैनल नेम LED2 और पेलोड ऑन 1, पेलोड ऑफ 0, क्रिएट। सेम उसी तरीके से LED3 एंड LED4 के लिए भी बटन्स क्रिएट कर लेना है। चारों स्विच रेडी है और ये वर्क भी कर रहा है, LEDs ऑन ऑफ हो रहा है। अभी टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी डेटा मॉनिटर करने के लिए भी विजेट्स ऐड करना पड़ेगा। 2 गेज ले लेते हैं, पैनल नेम टेम्परेचर, MyTopic/temp
मिन रखते हैं 0 और मैक्स रखते हैं 100। क्रिएट कर लेते हैं और देख सकते हो टेम्परेचर डेटा भी शो हो रहा है। ह्यूमिडिटी के लिए भी सेम स्टेप्स फॉलो करना है। और ह्यूमिडिटी डेटा भी गेस्ट विजेट्स पे शो हो रहा है। अभी हमारे पास एक MQTT डैशबोर्ड है जिससे हम 4 LEDs कंट्रोल कर सकते हैं और ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर डेटा मॉनिटर कर सकते हैं। और ये प्रॉपर वर्क भी कर रहा है, LEDs कंट्रोल हो रहा है और टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी विजेट्स पे वैल्यूज भी रियल टाइम में अपडेट हो रहा है। वीडियो में इतना ही था। अगर आपका कोई डाउट है MQTT पे तो आप कमेंट करो और वीडियो को कर दो एक लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब। सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।